गोरखपुर में प्लॉट लेना हुआ आसान। बंधन पैराडाइज, आपके सपनों का टाउनशिप, जहां आपको एक ही कैंपस में मिलेगी अस्पताल, स्कूल, पार्क, शॉपिंग एरिया जैसी सभी जरूरी सुविधाएं। एयरपोर्ट से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे के किनारे माडा पार्क, जहां मिलेगा आपको शांत, प्राकृतिक और सुरक्षित वातावरण। सिर्फ 25% भुगतान कर बाकी आसान किस्तों में करे पेमेंट। तो इंतजार किस बात का, आज ही दिए गए नंबरों पर कॉल करिए, हमारा साइट विजिट करिए। हमारा पता है बुद्ध विहार पार्टे, निकट GDA ऑफिस, तारामंडल, गोरखपुर। नवजीवन इमरजेंसी हॉस्पिटल, हमारे यहाँ ICU, वेंटिलेटर, हॉट संबंधित, बंद स्पेशलिस्ट, एक्सीडेंटल ऑपरेशन, एक नॉर्मल डिलीवरी हेतु अवश्य पधारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 तक बिहार। सीवान की इस वक्त की बड़ी दर्दनाक घटना सामने आ रही है। सीवान में ट्रेन के चपेट में आने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि सीवान गोरखपुर रेलखंड पर मैरवा रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज के मुरियाड़ी पंचायत के लक्ष्मीपुर ब्रिज के नीचे ट्रेन के चपेट में आने से 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 2 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। दरअसल घटना के संबंध में बताया जाता है कि मैरवा थाना के लक्ष्मीपुर ओवर ब्रिज के पास गेहूं के खेत से काटकर एक परिवार वापस लौट रहा था, तभी अचानक दोनों तरफ से ट्रेन आ गई। जब तक वो समझ पाते तब तक सभी लोग ट्रेन के चपेट में आ गए, जिससे कुल 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जिसमें 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। मृतका की पहचान सुनीता देवी, श्रीमती देवी समेत 2 बच्चे शामिल हैं। इस घटना की सूचना पर GRP और जिला प्रशासन टीम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। घटना के बाद मुरियाड़ी पंचायत के मुखिया अजय भास्कर चौहान घटना स्थल पर पहुंचकर परिजनों को संतावना दी। वहीं उन्होंने कहा कि रेलवे लाइन किनारे इन लोगों का घर है और हमेशा आने जाने वाले परिवार वाले हैं यह, और अपने परिवार के साथ यहाँ रहते हैं। आज गेहूँ काट कर अपने परिवार के साथ घर वापस जा रहे थे, तभी हादसा हुआ। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर मुआवजे की मांग भी की है। आपको बता दें कि 2:30 बजे तक अभी शव सदर अस्पताल नहीं पहुंचा था। पूरे मामले की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे हैं समाज सेवी जीवन यादव, और उन्होंने लोगों को, जो पीड़ित परिवार है, उनको जो भी हो सकेगा उनसे मदद की बात कही है। अब देखना यह होगा कि इस हादसे में पीड़ित परिवार को क्या मुआवजा मिलता है, क्योंकि बहुत बड़ी दर्दनाक घटना घटित हुई है। तो आइए बात कर रहे थे, सीधे जीवन यादव मौजूद है, उसके बाद उस गांव के मुखिया मौजूद है। देखिए रिपोर्ट, हमसे सहयोग होगा, हम परिवार के साथ हैं, इसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं, बच्चे महिलाएं हैं, हम निरंतर उस परिवार के साथ खड़े हैं और जो भी सहयोग हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ जानकारी हुआ क्या, कैसे चले गए या क्या करने गए थे कि आ रहे थे? गेहूँ काटने गए थे लोग, उनको लगता है डबल क्रॉसिंग था, एक तरफ से ट्रेन जा रही थी, एक तरफ से आ रही थी, उसी में लग रहा है बीच बचाव में ही घटना हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे वरीय अधिकारियों से क्या कुछ बात हुआ? वही कि भाई जो मुआवजा होना चाहिए रेलवे का उनको मिलना चाहिए। अच्छा जीवन यादव, आप जहाँ भी जाते हैं कुछ न कुछ सहयोग करते हैं, तो इस परिवार के लिए क्या सहयोग? जो सहयोग हम करेंगे उनके उस परिवार के साथ हम खड़े हैं, उस परिवार के साथ खड़े हैं। देख सकते हैं समाज सेवी जो घटना घटी है, ट्रेन से कटकर 5 लोगों की मौत की सूचना मिली, क्या है पूरा मामला, कौन कौन लोग है बताइए। देखिए, सबसे पहले तो कटनी का दिन चल रहा था और बच्चे लोग लेकर उन लोग जा रही थी कटनी करने के लिए। अब मजदूर लोग हैं पटरी पर, जैसे वो लोग चढ़े एक साइड से ट्रेन आ गई, पहले ही लोग देखा कि पूरब से ट्रेन आ रही है, उसके बाद जस्ट ही लोग बच्चा लोग चढ़ गया था रेलवे पटरी पर, उनको बचाने हो गई तब तक उधर से ट्रेन आ गई। अभी लोग अफरा तफरी में भागने लगे इधर उधर, तब तक उधर ट्रेन नज़दीक थी, वो उधर वाली पश्चिम वाली थी, तो ट्रेन नज़दीक आई, बस सीधे ही लोग इधर भागा, बस यही आ गए, बस चारों के चारों एक के बाद किसी में लपटा। 4 मौत है कि 5 मौत है? 4 हुआ। नाम जरा बताइएगा कैसे इसका हुआ है। नाम है श्रीमती देवी और एक का नाम है नीतू देवी और 2 बच्चे हैं। बच्चों का नाम? बच्चों का नाम है खुशी, नाम है लड़की का और तीन बहार नाम है लड़की का। और ये सुमेरपुर का घटना है, मैरवा का, राजभर परिवार के लोग हैं, मजदूरी करने के लिए जा रहे थे रेलवे, उस पर किसी का मतलब गेहूँ काटना था। कोई पारिवारिक कलह तो नहीं है? ना, पारिवारिक कलह नहीं है, जैसे मजदूर आदमी है तो मान लीजिए कि पति है कहीं काम करने के लिए, लोग कहती कि हम गेहूँ काटेंगे, फलाना आदमी को गेहूँ काटने जा रही थी, गई उसी क्रम में, बच्चा का घर पर छोड़ रहेगा, छोटा बच्चा था,
चार साल का था, छः साल का था, वो लोग साथ में लेते गए कि चलिए घर पर रहेगा तो क्या करेगा। और बस लेके जा रही थी, बचवा अगवा था, बस लोग चढ़ गया, तब तक ट्रेन आई, लोग देखी तब तक उधर भागी तो उधर भी ट्रेन आई, बस इधर भागे, बस सब चारों के चारों एक ही बार। और लोग उनके परिवार के लोग कहाँ हैं? उनके एक सास उन लोग का, उन तो बेहोश है, इनका पति भी बेहोश है, तो उन लोग गए हैं, ट्रीटमेंट हो रहा है मेरवा में उन लोग का। ठीक है, आप अपना नंबर बता दीजिए। मेरा नाम अखिलेश कुमार है। आप कौन है वहाँ के? हम वहाँ के वार्ड सदस्य का पति हैं।